हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ नीरज राजपूत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नई भर्ती की इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये भर्ती कहाँ निकाले गए और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। और मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आने वाली हर एक जॉब्स की जानकारी और ITI RSC ट्रेड से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो निकाली गई है राजस्थान में। ये जो भर्ती है वो है राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, राजस्थान सरकार द्वारा भर्ती निकाली गई है, राजस्थान कॉर्पोरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट राजस्थान। तो दोस्तों, ये भर्ती राजस्थान सहकारी विभाग की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, इस किस कौन से विभाग की भर्ती है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। तो आप लोग देख सकते हैं RCDF रिक्वायरमेंट 2021 और ये जो भर्ती है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन LTD जयपुर की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, इसमें 500 से अधिक पोस्टें हैं। हम स्टेप बाय स्टेप पोस्ट के बारे में आप लोग को बता देते हैं और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा वो भी सब बता देते हैं। तो ये फॉर्म 29 जनवरी 2021 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट जो है 26 फरवरी 2021 है। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया वो लोग अप्लाई कर दें। तो दोस्तों, इसमें टोटल आप पोस्ट की बात करें तो इसमें 500 तीन पोस्टें हैं, जनरल मैनेजर की 4 पोस्टें हैं, डिप्टी मैनेजर की 27 पोस्टें हैं, असिस्टेंट मैनेजर की 96 और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट की 10 पोस्टें हैं और बॉयलर ऑपरेटर की 31 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की 46 है, डेयरी टेक्नीशियन की 31 पोस्टें हैं और इलेक्ट्रीशियन की 23 पोस्टें हैं। जूनियर अकाउंटेंट परचेज स्टोर सुपरवाइजर की 48 पोस्टें हैं, प्लांट ऑपरेटर की यहाँ पर 77 पोस्टें हैं और लाइव स्टॉक सुपरवाइजर की 7, रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर की 20 और फिटर की 15 पोस्टें हैं। वेल्डर की 6 पोस्टें हैं, हेल्पर डेयरी वर्कर की 27 पोस्टें हैं और डेयरी सुपरवाइजर की 13 पोस्टें हैं, विलेज एक्सटेंशन वर्कर डेयरी सुपरवाइजर की 20 पोस्टें हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि किस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन मांग रखा है। तो जनरल मैनेजर के लिए यहां पर डिग्री, PG डिग्री एंड 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर के लिए यहां पर डिग्री या फिर PG डिग्री और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए और असिस्टेंट मैनेजर डिग्री होनी चाहिए या फिर PG डिग्री होनी चाहिए और दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए एटलीस्ट सेकेंड क्लास पी जी इन कॉमर्स विद अकाउंटेंसी एज वन ऑफ द पेपर्स इन BCom और MCom विद 5 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट में MSc होना चाहिए केमिस्ट्री विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। बॉयलर ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए BE सिविल आर इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। डेयरी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिक इंजीनियर और इंडियन डेयरी डिप्लोमा डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर ITI इलेक्ट्रिक ट्रेड से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर अकाउंट परचेज स्टोर सुपरवाइजर कॉमर्स ग्रेजुएट पोस्ट, इसके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट पोस्ट कॉमर्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर सेकेंड के लिए यहाँ पर ITI एनी ट्रेड से, प्लांट ऑपरेटर ITI कोई भी ट्रेड से की हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ITI वालों के लिए अच्छा मौका है कि प्लांट ऑपरेटर कोई भी ITI से की हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
लाइव स्टेक सुपरवाइजर यहाँ पर 12th साइंस विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ द स्टेकमेंट कंपाउंडर फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री स्कूल। अगला है रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर रेफ्रिजरेशन और ITI 4 ईयर, या तो फिर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर के लिए। फिटर में यहाँ पर ITI विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल्डर के लिए यहाँ पर 2 ईयर्स एक्सपीरियंस विद ITI। हेल्पर डायरी वर्कर के लिए केवल आठ क्लास पास होना चाहिए, आपके लिए 8 होना चाहिए, केवल 8 क्लास मांग रखा है हेल्पर डायरी के लिए। और डायरी सुपरवाइजर थर्ड के लिए यहाँ पर 12 पास होना चाहिए और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सेक्रेटरी। और विलेज एक्सटेंशन वर्कर डायरी सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 12 पास होना चाहिए और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट की एज जो है वो 1/7/2021 से काउंट की जाएगी और 21 ईयर्स बट लेस देन 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स से अगर अधिक होगी तो दिक्कत है, बाकी 21 से 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जाम के जरिए आपका सिलेक्शन होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार आप लोग को हम ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन कुछ ज़्यादा मांग रखी है, जनरल एंड कैडमी लेयर BC MCBC के लिए यहाँ पर 1200 रुपये फीस है और ST SC ST नॉन कैडमी लेयर के यहाँ पर BC EWS and MBC डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस मांग रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर फीस काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग को एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से कहाँ से ऑनलाइन करना है, तो दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई इस लिंक से कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन करने का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप लोग हमको कमेंट करें, हम उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।